स्टार्टिंग द रिलेशन पी इक्वल्स 1/3 रो वी स्क्वायर बार। ये रिलेशन हमें ड्राइव करना है सेक्शन सी के हवाले से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में अक्सर सेक्शन सी में डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए आती है। पी प्रेशर है, रो जो है वो डेंसिटी है, और वी स्क्वायर बार स्पीड है। हमने एक कंटेनर कंसिडर किया है जिस कंटेनर की डायमेंशंस एल हैं, कैपिटल एल, यानी कि इसकी लेंथ भी कैपिटल एल है, इसकी ब्रेथ भी कैपिटल एल है, और इसकी हाइट भी कैपिटल एल है। यानी कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस जो मैंने लेबल किए हैं इस कंटेनर में, उन तीनों की जो साइज़ है, तीनों का जो डायमेंशन है वो क्या है, कैपिटल एल। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस मौजूद है जिसके कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इस कंटेनर के अंदर एक गैस है, गैस आइडियल गैस है, आइडियल गैस के कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, जिस कंटेनर की लेंथ कैपिटल एल है, जिस कंटेनर की ब्रेथ कैपिटल एल है, और जिस कंटेनर की हाइट भी कैपिटल एल है। सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल टू कैपिटल एल, एंड कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। अब एन मॉलिक्यूल्स हैं, सो सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है फिलहाल जो कि इस कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है। स्टार्टिंग विद अ मॉलिक्यूल, अ सिंगल मॉलिक्यूल हैविंग मास m, एक मॉलिक्यूल है जिसका मास स्मॉल m है और जिसकी वेलोसिटी स्मॉल v है, और वो अकेला इस कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है। आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हमने कंसिडर किया। अब जो एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वो एक कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है, तो कंटेनर के अंदर मूव करने की वजह से उस वेलोसिटी के पास, इस कंटेनर की जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट भी है, उसका वाई कंपोनेंट भी है, और उसका जेड कंपोनेंट भी है। ये जो कंटेनर के अंदर इस मॉलिक्यूल की मोशन है, ये सिंपल वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मोशन है जो कि कंटेनर के अंदर क्यूब के अंदर हो रही है। सो इस वजह से मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी वी एक्स है, y डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी वी वाई है, और z डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी वी जेड है। और एक सिंगल मॉलिक्यूल की मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस सिंगल मॉलिक्यूल की मोशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए मुझे तीन वेलोसिटीज रिक्वायर्ड हैं, वी एक्स फॉर x एक्सिस, वी वाई फॉर y एक्सिस, एंड वी जेड फॉर z एक्सिस। और सिंप्लिसिटी के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि जो मोशन है वो सिंपल अलोंग x एक्सिस हो रही है, यानी कि मॉलिक्यूल x, y और z डायरेक्शन की वेलोसिटीज तो उसके पास हैं, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, सिर्फ और सिर्फ वी एक्स। वी वाई और वी जेड की मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा, बाद में मैं उसको देखूंगा। अब ये कंटेनर वही मैंने ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ एल है, ब्रेथ एल है, और हाइट भी एल है, तीनों चीज़ें मैंने लेबल की हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये एक वॉल है जिसे मैंने शेडेड ड्रॉ किया है। जब ये मॉलिक्यूल जिसका मास एम है, वेलोसिटी वी है, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड मूव करता है कंटेनर के, तो ये इस शेडेड वॉल से टकराएगा कंटेनर की, कंटेनर की जो शेडेड वॉल है इससे ये मॉलिक्यूल के कोलिजन होगा। जब ये मॉलिक्यूल टकराएगा तो क्योंकि मॉलिक्यूल का मास भी है और मॉलिक्यूल की स्पीड भी है वी एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन, तो मैं इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूँ। द मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलाइडिंग द शेडेड फेस, इस शेडेड फेस से, इस शेडेड वॉल से कोलाइड करने से पहले, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव कर रहा है एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड एस आई मैंशन इन द डायग्राम, सो इट्स स्पीड इज प्लस वी एक्स एंड मोमेंटम इज प्लस एम वी एक्स। आफ्टर कोलाइडिंग, जब ये मॉलिक्यूल इस दीवार से टकरा जाएगा तो कोलाइड करने के बाद ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। इन दिस केस इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज नाउ आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल इट इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो कोलाइड करने के बाद इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स। चेंज इन मोमेंटम अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, या आफ्टर माइनस बिफोर। सो आफ्टर मोमेंटम कितना है, माइनस एम वी एक्स, माइनस क्योंकि मैं चेंज कैलकुलेट कर रहा हूं, और ये मोमेंटम बिफोर है। सो फाइनल माइनस इनिशियल से मेरे पास मोमेंटम आ गया
कि इस मॉलिक्यूल का जिसका मास m है, जिसकी स्पीड v है, इसका मोमेंटम कितना है, वो मोमेंटम कितना है माइनस टू एम वी एक्स। अब एक चीज़ ये है कि जब ये मॉलिक्यूल जिसका मोमेंटम माइनस टू एम वी एक्स है इस शेडेड वॉल से टकराएगा कंटेनर की, तो ये कोलिजन होगा और कोलिजन की वजह से एक तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो रहा है और दूसरा इस वॉल का भी मोमेंटम चेंज हो रहा है। जितना मोमेंटम मॉलिक्यूल का चेंज होगा उतना ही मोमेंटम वॉल का भी चेंज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इफ दिस चेंज इन मोमेंटम, इफ दिस इज नेगेटिव, सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल विल बी पॉजिटिव। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करनी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम यूज कर रहे हैं, एक एक्शन पॉजिटिव है तो उसका रिएक्शन नेगेटिव होगा, और अगर हम एक्शन को कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज अ नेगेटिव, सो रिएक्शन विल बी अ पॉजिटिव। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है मॉलिक्यूल का अगर वो माइनस है, तो जो चेंज इन मोमेंटम वॉल का होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी वजह दीवार के साथ, इस शेडेड वॉल के साथ कंटेनर की कोलिजन है, सो इट विल बी अ पॉजिटिव। ये यहाँ पे नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है शेडेड वॉल का, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव। दूसरी बात अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के लिए इसे जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो एस इक्वल्स वी टी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ये कंटेनर एक क्यूबिकल कंटेनर है, पहले मॉलिक्यूल ने मूव किया टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैपिटल एल। व्हेन इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर कोलिजन, तो उस दौरान भी ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एल। सो टोटल डिस्टेंस एक कोलिजन के दौरान कितना कवर होगा, टू एल, एल राइट हैंड साइड की तरफ जाने में और L वापस राइट हैंड साइड से रिफ्लेक्ट होने में। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 2L, और क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कह दिया है, वेलोसिटी स्पीड को Vx। नाउ मैं अब फोर्स कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो मोमेंटम वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है तो ये कितना फोर्स इम्पार्ट करेगा। सो चेंज फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, सो फोर्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, और मैं सिंगल फोर्स यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फोर्स कैलकुलेट करने में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। सो चेंज इन मोमेंटम मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज़ 2mvx, टाइम इंटरवल ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 2L/Vx, 2 से 2 कैंसिल, सो ये Vx ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, इट बिकम्स mvx²/L। ये वो फोर्स है जो एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए मैंने कैलकुलेट की है, ये वो फोर्स है कि जो सिंगल मॉलिक्यूल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करते वक्त दीवार के साथ कोलिजन में दीवार के ऊपर एग्जर्ट करेगा। अब मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सो पहला मॉलिक्यूल अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1x, अगर सेकंड मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूँ उसकी क्या होगी, v2x। इस तरीके से मेरे पास n मॉलिक्यूल्स हैं जैसे मैंने शुरू में कहा था, सो n मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, vnx। टोटल फोर्स क्या होगी कि मैं इसी रिलेशन को वन बाय वन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए लिखूं और सबको सम अप कर लूं। सो फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल v1x²/L एंड m रिमेन्स सेम फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मास। फॉर सेकंड मॉलिक्यूल v2x²/L, फॉर थर्ड मॉलिक्यूल एंड फोर्थ एंड सो ऑन फॉर n मॉलिक्यूल्स vnx²/L, m/L कॉमन एयर एंड रिमेनिंग फैक्टर इज टेकिंग इन टू द ब्रैकेट। नाउ आई एम वॉन्टिंग टू कैलकुलेट द प्रेशर कि कितना प्रेशर ये मॉलिक्यूल्स जो सारे इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं जब कोलाइड करेंगे सारे एक साथ जब वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो कितना प्रेशर जनरेट करेंगे जो मेरा असल रिलेशन है ड्राइव करने के लिए। सो प्रेशर इक्वल्स फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर के डेफिनेशन हमें पता है, एफ मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, m/L v1x²v2x² and up to vnx². एरिया कितना है, एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है, एल, ब्रेथ कितनी है, एल। मैंने शुरू में कहा कि क्यूबिकल कंटेनर है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें बराबर हैं, सो एरिया बिकम्स L² दिस L² गोज अप साइड एंड मल्टीप्लाइड विथ L, सो इट बिकम्स m/L³
एंड द ब्रैकेट रिमेन्स सेम। यहाँ तक ये रिलेशन मैंने प्रेशर के लिए भी ड्राइव किया है, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेशन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड आई विल बी ड्राइव द रिक्वायर्ड रिलेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, सो यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स।